अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओप्पो रिनो 3 प्रो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये वाला फ़ोन एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 8 GB रैम के साथ, 256 GB इंटरनल स्टोरेज है और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस लॉन्च की गई है 70,000 रुपीज़ है। ये वाला फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ये वाला फ़ोन अगर आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, 65,000 रुपीज़ तक ये वाला फ़ोन मिल जाता है। और इस फोन की रीसेल वैल्यू की अगर बात करें तो ये वाला फोन अगर 6 मंथ यूज करने के बाद सेल करना पड़ा तो 20,000 रुपीज लॉस कर जाएगा। इंडिया में ये वाला फोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, 8 GB रैम के साथ, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है 30,000 रुपीज में, और दूसरा जो वेरियंट है 8 GB रैम के साथ, 256 GB इंटरनल स्टोरेज है 32,000 रुपीज में ये लॉन्च किया गया है। दोस्तों, किसी भी मोबाइल फोन की जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्राइस और स्पेक्स मैच करने चाहिए। जैसे कि ओप्पो रिनो 3 प्रो की जो प्राइस है 70,000 रुपीज़ कंपनी ने लॉन्च की है, ये वाली प्राइस इस फोन के स्पेक्स के लिहाज से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अदर ब्रांड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A71 की अगर हम मिसाल लेते हैं तो उस फोन के स्पेक्स इस फोन से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और उसकी प्राइस सेम ही है, इसके बराबर ही है। अगर इस फोन की प्राइस को हम कंपेयर करें तो इसकी प्राइस मैक्सिमम जो होती 55,000 रुपीज़ होनी चाहिए थी या 50,000 रुपये होनी चाहिए थी, तब ये फ़ोन इस प्राइस में एक बेस्ट होना था। दोस्तों, ओप्पो एवरी 6 मंथ कोई ना कोई फ़ोन लॉन्च करता है रिनो सीरीज़ का। सबसे पहले लॉन्च किया था ओप्पो रिनो तकरीबन अप्रैल 2019 में फ़ोन लॉन्च किया था, उसके बाद जो दूसरा उन्होंने मॉडल लॉन्च किया वो ये वाला मॉडल था, ओप्पो रिनो 2 था। ये वाला फ़ोन शार्क फिन स्टाइल और बहुत ही आउटक्लास फ़ोन था, लेकिन अभी इन्होंने लॉन्च किया है ओप्पो रिनो 3 प्रो। ये वाला फ़ोन अपने डिज़ाइन की वजह से इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो फ्रंट जो ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है वो भी जैसे कि सैमसंग S10 Plus में आपने ऑलरेडी पहले देखा है, और इसका जो रियर डिज़ाइन आपने बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन जो इनका रिनो 2 का जो डिज़ाइन था अपने डिफरेंट था, ये बिल्कुल भी डिज़ाइन, और ये अपने डिज़ाइन की वजह से भी एक फ़ोन पहचाना जाता है और लोगों के माइंड में ये होता है कि ओप्पो रिनो सीरीज़ का जो डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट ही होना चाहिए, और लोग इसको एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि यार नया डिज़ाइन आएगा और हम ओप्पो रिनो ही लेंगे। लेकिन इस बार ओप्पो रिनो 3 प्रो ने बहुत ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंट किया है अपने डिज़ाइन की वजह से। दोस्तों, ओप्पो रिनो 3 प्रो की जो बिल्ड क्वालिटी है अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो बैक बनाई गई है ये पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक की बनाई गई है, इसका फ्लेम भी प्लास्टिक का बनाया गया है, जबकि जो पहले जो मॉडल होते थे जो वो ग्लास की बैक होता था और ओप्पो रिनो 2 का, और इस पर कोने गुरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन बैक पे भी होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने कोई भी प्रोटेक्शन बैक साइड पे बिल्कुल नहीं दी और प्लास्टिक की बैक बनाई गई है, जो कि ये भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, क्योंकि प्राइस में तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं डाला गया लेकिन इसमें बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी इन्होंने कमी की है इस फोन की। ओप्पो रिनो 3 प्रो दो ही कलर्स में लॉन्च किया गया है इस बार भी, ऑरोरल ब्लू और ये वाला मिडनाइट ब्लैक कलर, ये दो ही कलर्स में ये मार्केट में अवेलेबल है और दो ही कलर लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, ओप्पो रिनो 3 प्रो इसका जो डिस्प्ले है ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, इसका डिस्प्ले पहले के फ़ोन के नस्बत कुछ बेहतर किया गया है, और इसमें कोनी गुरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी दी गई है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही दिया गया है, जो कि पहले भी मॉडल्स में होता था इनके ओप्पो रिनो में, लेकिन इस बार भी इन्होंने सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही दिया गया, तो इस चीज़ में थोड़ा सा इन्होंने बेहतरी की है कि डिस्प्ले बिल्कुल हल्का नहीं कर दिया, तो ये एक इनका पॉजिटिव पॉइंट है कि ओप्पो रिनो 3 में डिस्प्ले जो है वो बहुत अच्छा दिया गया है। दोस्तों, ओप्पो रिनो 3 प्रो में जो चिपसेट दिया गया है वो हीलियो P95 दिया गया है, और ये 12 nm टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और जबकि इसका जो पहले जो CPU था वो ज़्यादा बेहतर था, इस बार इन्होंने CPU परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है, और इसकी प्राइस तो वही रखी गई है लेकिन इन्होंने CPU परफॉर्मेंस और चिपसेट भी इन्होंने थोड़ा सा वीक कर दिया है, गेमिंग और दूसरे व्यूज से इसको अगर देखा जाए तो इसके चिपसेट को तो ये काफ़ी वीक है, क्योंकि इसका कंपेरिजन अगर हम अदर ब्रांड्स के फ़ोन के साथ करते हैं जो कि इसी प्राइस में अवेलेबल है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A71 की मिसाल ले लेते हैं तो उसमें स्नैपड्रैगन 730 लगाई गई है और उसकी परफॉर्मेंस इस वाले चिपसेट से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो इस बार इन्होंने ओप्पो रिनो 3 प्रो में जो चिपसेट लगाया है वो भी थोड़ा सा वीक लगाया है, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है ओप्पो रिनो 3 प्रो का। दोस्तों, ओप्पो रिनो 3 प्रो के अगर कैमरे की बात करें तो इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बेहतरी की है, इसमें एक ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि इन्होंने कैमरे की तरफ इन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है इस बार, और क्योंकि ओप्पो के जो जितने भी फ़ोन्स होते हैं इनका जो स्लोगन ही यही होता है कि कैमरा फ़ोन है ओप्पो, तो इस बार इन्होंने कैमरे को फोकस किया है ज़्यादातर, इसका जो सेल्फी कैमरा है ड्यूल दिया है जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका जो सेल्फी कैमरा है 44 मेगापिक्सल का इन्होंने सेल्फी कैमरा दिया है, और दूसरा जो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी इसके साथ लगाया है, तो इसका सेल्फी कैमरा नो डाउट पहले वाले मोबाइल कैमरा से काफ़ी बेहतर दिया गया है।
दोस्तों ओप्पो रीनो 3 प्रो में जो रियर कैमरा है वो भी क्वाड है, चार कैमरा लगाए गए हैं और 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगाया गया है और इसमें काफ़ी बेहतर दिया गया है ये कैमरा पहले फोन्स के निस्बत। और इसमें जो कैमरे में एक सॉफ्टवेयर से इन्होंने एक 108 108 मेगापिक्सल का इमेज भी आप इसमें ले सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर से ही इन्होंने पॉसिबल की है, लेकिन ओवरऑल इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है आपको बेहतर मिलेगा। और इसमें एक अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिली वो है इसमें इन्होंने इन्होंने वीडियो में भी बुके मोड दे दिया। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो इसमें बुके मोड वाली बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो आप इसमें बना सकते हैं, तो इसका कैमरा नो डाउट बहुत अच्छा है इस फोन का। तो ये इस फोन का एक प्लस पॉइंट है ओप्पो रिनो 3 प्रो का। दोस्तों इस फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली एंड्रॉयड 10 दिया गया और कलर ओएस इसमें 7 भी दिया गया है और इसमें आपको इन ग्लास फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा और आपको फेस अनलॉक सिक्योरिटी डेफिनेटली मिलेगी। दोस्तों इस फोन का जो बेंच मार्क है वो इतना अच्छा नहीं है, 2,25,000 के करीब ही है इस चिपसेट का बेंच मार्क है। और इसका कंपैरिजन अगर अदर ब्रांड के साथ करते हैं जैसे कि स्नैपड्रैगन 730 से करते हैं तो उसका बेंच मार्क ओप्पो रिनो 3 से ज़्यादा बेहतर है। ओप्पो रिनो 3 का जो बेंच मार्क है कुछ कम है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इसके जीपीयू परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है इस फोन के। और इसके अलावा इस फोन में अगर हम देखा जाए कि इसको अगर हम पबजी अगर हम प्ले करते हैं इस फोन पे तो इस पे मैक्सिमम आपको जो ग्राफिक्स मिलेंगे स्मूथ प्लस अल्ट्रा की आप ग्राफिक्स ले सकते हैं, स्मूथ प्लस अल्ट्रा। और ये गेमिंग आपको लैग तो इतना नहीं मिलेगा लेकिन आप नॉर्मल गेम इस पे प्ले कर सकते हैं। बैटरी है 4025 mAh की दी गई है और इसमें वही वो फ्लैश चार्ज दिया गया है 3.0 और 30 वॉट की चार्जिंग दी गई है और टाइप सी आपको कनेक्टर मिलेगा इसके चार्जिंग के लिए। तो ये एक बैटरी इसमें चीज़ मुझे देखने को मिली कि इसकी बैटरी परफॉर्मेंस बेहतर है डेफिनेटली और चार्जिंग भी जल्दी हो जाती है, तकरीबन आप 30 मिनट में 50% इसकी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ओप्पो रीनो 3 प्रो में ड्यूल सिम नैनो सपोर्ट है और इसके अलावा आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाती है, ये भी एक अच्छी चीज़ इसमें मुझे देखने को मिली। और इसके अलावा इसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है और LPDDR4X की रैम भी इसमें दी गई है और इसमें Wide 1 L1 की सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाती है। तो दोस्तों ओप्पो रीनो 3 प्रो ओवरऑल एक इतना बुरा भी फ़ोन नहीं है लेकिन इसमें 50-50 इसमें मुझे ये लगा फ़ोन, क्योंकि इसको मैं 70 पॉइंट्स नहीं दे सकता, 50 पॉइंट्स हम इसको फ़ोन को दे सकते हैं क्योंकि इसके कंपैरिजन में अदर ब्रांड्स के पास ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स अवेलेबल हैं। लेकिन जस्ट अगर आपको कैमरा फ़ोन चाहिए तो फिर आप ये फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं और अगर आपको इसके लिए गेमिंग फ़ोन चाहिए तो ये वाला फ़ोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का ओप्पो रीनो 3 प्रो का रिव्यू।